हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खत्म। आप सभी बच्चों को पता होगा ये शाम की जो सीरीज चल रही है, रात 9 बजे का जो सेशन था। सबसे पहले तो आप सभी को इस सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि सेशन के टाइमिंग में हम थोड़ा बदलाव करने वाले हैं। तो बहुत सारे साथी अभी नए सेशन में जुड़ने वाले, उनको बता देते हैं ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारा कॉमन बैच चलता है। आप भले किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी टॉपिक डिटेल से अच्छे से पढ़ना है उसके लिए हमारी ये ब्रह्मास्त्र सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने शून्य से सीख रहे एक सीरीज आपके यूट्यूब के ऊपर करा रखी है, वो भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और शून्य से सीखकर हमारा ऐप के ऊपर एक प्रॉपर अलग सेपरेट बैच भी है, आप चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इस सीरीज में थोड़ा सा बदलाव ये है कि अब इस बैच का जो समय है ना, थोड़ा देखो रीजन ये है कि कुछ इसका समय जो है वो रात 10 बजे किया जा रहा है, 10 PM, है ना। थोड़ा सा ये बदलाव कर रहे हैं, रोज ये क्लास रात 9 बजे होती है तो इसको थोड़ा सा मैं बदलाव कर रहा, तो आप सभी को टाइमिंग का पता होना चाहिए। रीजन ये है कि कुछ बैचेज है जिनकी क्लासेज अभी, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला, जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम हो रहा है, तो थोड़ी हमारे उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग चल रही है, तो उस वजह से ये जो क्लास का ये क्लास रेगुलर चलेगी आपकी, लेकिन टाइमिंग रात 9 बजे के बजाय 10 बजे होगा। तो थोड़ा सा ये बदलाव है, इसको थोड़ा एडजस्ट आप करिएगा, ओके। चलिए तो सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी को पता होगा हम लोग हमारा जितना नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन जो LCM और SAB सेगमेंट है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम जो और जो टॉपिक है हमारे अर्थमेटिक्स के उनको डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूं आगे का जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर मतलब नया आज कुछ शुरू नहीं है, मतलब टॉपिक नया जरूर है। इस टॉपिक का नाम है एवरेज यानी औसत। इस चैप्टर को हम डिटेल से भी डिस्कस करने वाले। सभी का वेलकम, कुमारी प्रतिमा, सत्येंद्र, हिमांशु, ओके, रवि आलम, हिमांशी, रूपल, अर्षित, ओके, सभी को नमस्कार एंड वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। और चलिए तो जिन बच्चों को आज से पढ़ना सेशन शुरू कर रहे हैं तो वो भाई आज से कॉपी जरूर बना लेना, और इससे पहले के जो टॉपिक है उनके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा पेपर छोड़ दीजिए, आप देख लीजिएगा वीडियो सेशंस कितने हैं, तो अकॉर्डिंग हर सेशन के अकॉर्डिंग दो दो तीन तीन पेज की जगह छोड़ सकते हैं। नोट जरूर बनाइएगा, जैसे ही बैच एंड होगा तो मैं आप सबसे नोट जरूर मंगाने वाला हूँ, जैसे मैंने सुनील से शिखर में मंगवाए थे, ओके। देखते हैं फिर आप लोगों की तैयारी कैसे क्या चल रही पता चलेगा, तो बढ़िया से हम अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और साथ ही में जो बच्चे पुलिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका एक बिल्कुल निःशुल्क बैच मॉर्निंग में सुबह 9 बजे चलता है यूट्यूब के ऊपर ही, आप लोग उसको जरूर देखिएगा, ओके। चलिए अब बात करते हैं हम औसत की। औसत यानी एवरेज, छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, वैसे वो सबको पता ही है। एवरेज टोटल राशियों का योग, एडिशन ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ओके। तो ये आपको पता है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। जैसे मैंने बोल दिया 5, 7, 11, 13, 17 इसका एवरेज लेकर आओ, तो सिंपली आप क्या करोगे इन सब को जोड़कर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या आपको करना था। तो ये तो हम छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, चलिए ठीक है। और जिस बच्चे को औसत पता है वो संख्या से गुणा करके योग ला सकता है, और जिसको योग पता है वो संख्या से गुणा करके औसत ला सकता है। ये दो चीजें क्लियर हुई, ओके। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, समझिएगा बात होगा। अब देखो मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल में क्वेश्चन पूछता हूं कि चलो बच्चों ये बताओ, एक दो तीन, ऐसे मैंने आपको बोला कि चलो ये बताओ 20 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। एक सिंपल सा प्रश्न आप सभी बच्चों से मैंने पूछा कि चलो बच्चों ये बताओ इनका औसत क्या बनने वाला है। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी मैं टॉपिक शुरू करता हूं ना तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा ना। हो सकता है जिन बच्चों को थोड़ा बहुत जो टॉपिक आता है ना तो थोड़ा उनसे सब्र नहीं रह जाता, तो उनसे थोड़ी विशेष रिक्वेस्ट है, इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड, ओके। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ेंगे तो शानदार लगने वाला है। तो आप सब यही कहेंगे भी जिनको पता होगा वो डायरेक्टली फॉलो करेंगे, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है वो फिर ऐसे फॉलो करेगा इस चीज को,
कि भाई मुझे एवरेज लेकर आना है तो मैं क्या करूंगा, मैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। चलो ठीक है, लेकिन आप एक चीज बताओ, 20 में आपने कर लिया लेकिन ये कल को 200 हो गया तो एग्जाम में क्या आप लोग 200 तक जोड़ पाओगे? सिंपल तरीके से फॉर्मूला वैसे जोड़ने का 200 का भी है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, प्राकृत संख्याओं का योग ला सकते हो। लेकिन आप बताओ ऐसे संभव है क्या जोड़ना? 2000 आ गया, 2 लाख आ गया, तो फिर हम कैसे एवरेज पता करें? तो उस कंडीशन में हमारे लिए ये तुलना करना थोड़ा भारी पड़ जाता है कि ऐसे हम नहीं जोड़ सकते एक एक करके। ठीक है, वो तो कब फॉलो करते हैं, ऐसी संख्याएं आ जाए जिनके मध्य में एक असमान अंतर हो, तब उस कंडीशन में हम उसको फॉलो करते हैं। चलिए, तो हमें फॉलो कब, क्या फॉलो करना चाहिए उसकी बात मैं करता हूं। ये तब फॉलो हो सकता है कि जब जैसे मान लो 2 आ गया 3 आ गया 5 आ गया 7 आ गया 11 आ गया 13, ऐसी संख्याएं जिनके बीच असमान अंतर हो। और जैसे आपको पता है अभाज्य संख्याओं में असमान अंतर होता है, इसीलिए अभाज्य संख्याओं के एवरेज निकालने का यही फॉर्मूला है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। कोई भी ट्रिक उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। या तो आप सारे योग करके बैठ जाओ, याद करके बैठो योग कि भी 50 तक का योग इतना होता है, 100 तक का योग इतना होता है, 200 तक का, और नहीं तो फिर आपको लिख के जोड़ के ही डिवाइड करना पड़ेगा, उसकी कोई ट्रिक फॉलो नहीं होती, ध्यान रखना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने ज्ञान की, बहुत ही जरूरी बात। तो आप कहेंगे फिर हम क्या करें ऐसे प्रश्नों के लिए जब हमें हजारों तक के एवरेज लाने हो तब की कंडीशन में? तो माय डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा एक छोटी सी बात, इतनी सी बात है ना, कौन से सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। मैं अगर आपसे बोलूं कि माय डियर स्टूडेंट मुझे बताओ प्राकृत क्या होती है, फिर मैं आपसे पूछूं पूर्ण संख्या, फिर आपसे पूछे सम संख्या इवन नंबर्स, फिर आपसे पूछे विषम संख्या, फिर आपसे पूछे गुणज यानी एक परफेक्ट सीरीज। अब ध्यान से सुनिए, तो सबसे पहले आप लोग मुझे मैसेज करके बताओ जल्दी से, प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? जल्दी से मैसेज करके बताइए प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहां से होगी। देखो भी अब बच्चे पूछ रहे हैं एमटीएस के लिए है, ये जीडी के लिए है, ये बिहार पुलिस के लिए है, ये सीटेट के लिए है, यूपी टेट। मैंने पहले ही बोला इस बैच के ऊपर थंबनेल तो देखा करो, लिखा हुआ ब्रह्मास्त्र सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, तो ये कॉमन बैच है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, सीआरपीएफ के क्वेश्चंस वगैरह पढ़ने हैं तो वो मॉर्निंग में पुलिस वाला जो सेशन चलता है माय डियर स्टूडेंट उसको पढ़िए। अब ध्यान रखना एक चीज, ध्यान रखना अभी जो भी 2-3 टॉपिक हुए हैं वो हो गए बढ़िया से, आप लोग उसको रिवाइज कीजिए, लास्ट में मैं प्रयास करूंगा उनको भी वापस, लेकिन अब से जो कंटेंट आएगा ना एकदम शानदार तरीके से, और हर टॉपिक है भी जो टॉपिक अपने आप में बहुत छोटा टॉपिक है, जैसे साझा हो गया, एलसीएम एससीएम होता है, या पाइप रिंग हो गया, नावदारी, छोटे टॉपिक होते हैं उनका मैं 50+ क्वेश्चंस, लेकिन बाकी टॉपिक्स हर टॉपिक्स के हम प्रयास करेंगे कि 60 से 100 क्वेश्चंस के बीच में हम हर टॉपिक के क्वेश्चंस करें। तो थोड़ा ढंग से इन चैप्टर्स को पढ़ना, मैं मेरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, ढंग से पढ़ोगे तो ये भी खूब है, लेकिन अगर शिद्दत से नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कितना ही आप लोगों के लिए एफर्ट कर ले वो फिर फालतू ही चला जाता, तो पढ़ना आपको पड़ेगा। ओके, चलिए, तो प्राकृत संख्याओं की शुरुआत होती है माय डियर स्टूडेंट 1 से 1, 2, 3 इस प्रकार से, पूर्ण की शुरुआत 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से, फिर सम की शुरुआत 2, 4, 6, 8 इस प्प्रकार से, विषम की 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से। अब गुणज, गुणज का मतलब पहाड़ा होता, ध्यान रखना, ठीक है, इसको अपवर्तक भी बोला जाता है, बहुत बार शुद्ध हिंदी आ जाती है, एसएससी भी पूछ लेती है 9 के प्रथम 8 अपवर्तकों का औसत बताओ, इंग्लिश वाले बच्चों के तो लिखा हुआ था मल्टीप्लायर्स बताओ, फर्स्ट टाइम मल्टीप्लायर्स का एवरेज फाइंड आउट करके बताओ, तो उनके लिए तो वो कॉमन वर्ड है, लेकिन हिंदी वाले भी कभी गुणज आ जाता है, कभी गुणज की जगह गुणांक आ जाता है, कभी पहाड़ा लिखा हुआ जाता है, कभी अपवर्तक लिखा हुआ था, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई भी वैल्यू करते हैं हम लोग, 7 का पहाड़ा 7, 14, 21, 28, 35 कोई भी वैल्यू रख दीजिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और अच्छी बात मैं आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं, इसके बीच अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, यहां देखो एक एक का गया,
यहां भी देखिए एक एक का गैप, सब में देखिए दो दो का गैप, और यहां देखिए सात सात का गैप। तो आप सब मुझे जल्दी से मैसेज करके बताइए, सब में सात सात का मतलब इक्वल गैप दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक का दो का दो का, ठीक है? जल्दी से बताओ, इन सभी में एक बात कॉमन है कि अपनी अपनी सीरीज में इन सब के डिफरेंस इक्वल है। और माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी इक्वल डिफरेंस हो, जब भी समान अंतर हो, समान अंतर हो, उस कंडीशन में औसत लाने का तरीका होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन टू। और सरल भाषा में अगर आपसे मैं बोलूं तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन टू, डिवाइड टू ही क्यों किया, क्योंकि हमारे पास नंबर ही दो ही है, पहली संख्या और अंतिम संख्या, ठीक है? एक चीज देखो, थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे आज नए वगैरह ऐड हो तो मैं क्लियर कर देता हूं, जब सेशन शुरू हो जाता है ना उसके बाद जो मैं आपसे बातचीत है ना, क्वेश्चंस के अलावा जो भी बातचीत होगी वो मैं लास्ट में कर पाऊंगा, ठीक है? आपका कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस वगैरह उसको आप लास्ट के 10 मिनट्स के लिए संभाल कर रखना, ठीक है? तब तक सेशन चलेगा आपको बता, और यही पैटर्न फॉलो होता है। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है, जिनके मैसेज आ रहे हैं मैं भी देख पा रहा हूँ, आप मैसेज करते हो फिर परेशान होते हो, सबके लास्ट के 10 मिनट आपकी जो भी क्वेरी होगी ना वो क्लियर करेंगे। ओके, तो पहली प्लस अंतिम, अगर मैंने एक से मैंने बोला ना 200 तक, तो पहली प्लस अंतिम हो गई 200 बटे में 2, और ये हो जाएगा 201 बटा 2, और 201 बटा 2 हो जाएगा 100.5। अब मुझे बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? तो आप 200 क्यों, 2 लाख या 2 करोड़ तक की भी संख्या हो कंटिन्यू कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो आप उनका एवरेज ला सकते हैं। तो जब भी क्रमिक संख्याएं हो और उनके मध्य समान अंतर हो, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। 2 से डिवाइड क्यों करता है, क्योंकि नंबर ही 2 ही है हमारे पास, फर्स्ट एंड लास्ट। मुझे सब लोग एक बार मैसेज करके बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या, आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों से आंसर कर सकते हो? चलिए, सबको समझ में आया, एक बार यस का मैसेज लिख दो। फिर मैं आज आपको इतना एक गजब का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो मतलब आपके एवरेज के सोचने के तरीके को थोड़ा चेंज करने वाला है, कि इतने दिन हम इस प्रश्न को कैसे सोच रहे थे और अब हम इसको किस तरीके से सोच रहे हैं। चलिए ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनो, मैं इस प्रश्नों पर थोड़ा वापस आऊंगा, उससे पहले एक जरूरी बात, भाई ये तो बात हो गई कि सर चलो क्रमागत आ गया तब आप ये फॉलो कर दोगे, समान अंतर आ गया तो फॉलो कर लेंगे, एग्जाम में समान बिना समान अंतर के भी तो आते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न ऐसा आ गया, 72, 60, 80, 92, 102 का औसत ज्ञात करो। पहले तो मुझे बताओ क्या इनमें इक्वल डिफरेंस है, यस और नो का मैसेज करके बताइए, क्या इनके मध्य इक्वल डिफरेंस है, यस और नो, जल्दी बताइए। इतना सा बता दो, क्या इनके बीच में इक्वल डिफरेंस दिखा कि भी हाँ इक्वल डिफरेंस है, नहीं है ना? तो ये वो प्रश्न हो गया कि अब हमारे सामने क्या है भी? तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे ध्यान से सुनिएगा, आप एक काम करो, हम अज्यूम करते हैं, जो कहते हैं ना गणित वाले टीचर का फेवरेट वर्ड होता है, चलो मान लेते हैं, कहते हैं ना कुछ माना कि माना कि वो एक्स है, माना कि वो वाई है, किसी को एक्स वाई जेड वो भी कुछ नहीं मानना है ना, ठीक है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अज्यूम का मतलब उस चीज को फॉलो करना है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एक एवरेज मुझे बता दो, वो मैं यहां लिख देता हूं, प्रयास करना कि इनके थोड़ा नजदीक में हो। जल्दी बताओ, इक्वल डिफरेंस तो नहीं, आप सबके मैसेज आ रहे हैं, तो मुझे एक चीज का रिप्लाई कीजिए, ऐसा कोई भी एक एवरेज बोल दो जो इनके आस पड़ोस में कहीं पड़ जाए, कोई भी एक एवरेज बोल दो कि भी हमें ये लग रहा है, जल्दी बताओ। और जनरल तरीका मैं बता ही देता हूं, जनरल तो यही होता है फिर 72 प्लस 60 प्लस 80 प्लस, चलो आपके इजी बना देता हूं, 4, 2, 4, 4 है तो 6, ताकि आपकी एक कैलकुलेशन बहुत अच्छी बन जाए। तो देखो 72 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 92 प्लस 106 करके ये करोगे, वो तरीका नहीं करना हमें कुछ भी, चलो
चलो एक बच्चे कह रहा है 85 रख दो, कुछ कह रहा है 80 रख दो, कोई कह रहा है 85 रख दो, तो कुछ भी वैल्यू रख सकता आप अपनी मर्जी से, 80 रखो 85 रखो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो हम एक काम करते हैं 85 रख देते हैं, काफी बच्चों के मैसेज 85 के ही दिख रहे हैं। चलो अब ध्यान से सुनना, मुझे जल्दी से बताओ फर्स्ट वैल्यू 85 से कितनी ज्यादा या कम है, जल्दी मैसेज करके बताओ। तो आप कहोगे यहां से 8, 5, 13 कम है। सेकेंड वैल्यू तो आप कहेंगे -25 है। थर्ड वैल्यू कहेंगे -5 है। फोर्थ वैल्यू जल्दी से बताओ +7 है। और फिफ्थ वैल्यू 15 और 6 +21 है। पहले मुझे एक बार आप सबका मैसेज यस या नो में चाहिए कि जो मैंने यहां पर बातें लिखी है थोड़ा समझ में आई, हमने कुछ भी एवरेज एज्यूम किया। आप कहोगे तो मैं 85 हटा के 80, 75, 78, 60 लिख के भी सॉल्व करा दूंगा। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, आपको पता चल गया ये 13 कम है, ये 25 कम है, ये 5 कम है, ये 7 ज्यादा है, ये 21 ज्यादा है। तो हम एक काम करेंगे, 25, 5, 30 और 13 माइनस का 43 प्लस के 21 और 7 28। तो आप मुझे बताओ डिवाइडेड बाय 5 माइनस और प्लस इन दोनों में देख लीजिए क्या डिफरेंस होगा। 13 में से 8 गए 5 और 3 में से 2 गया 1 माइनस का 15 बटा 5 यस और नो। अरे 20 में से एक घटाया मैंने 38 और यहां से वैल्यू कैंसिल होगी -3। तो जो भी आपने एज्यूम किया है उसको माइनस कर लो, प्लस में आता तो प्लस कर लेते, जीरो आता तो नो चेंज करते। अभी -3 करेंगे, 85 -3 82 हमारा एवरेज आ गया। अब बताओ कैसा लगा? और यही अगर इस तरीके से करते 72, 60, 80, 92, 106 तो देख लो 10, 13 और 8, 21 और 9, 30 और 31 फिर 3 और 1 410 बटा 5 कर लो 8, 45 भाग 82। अब मुझे बताओ एक इतना जोड़कर आप सॉल्यूशन करते और एक अब आपने हल किया, बताओ आनंद आया अपनी? मैं रिपीट करूंगा, घबराना नहीं है, अभी इसको खूब एंजॉय किया जाएगा क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, बहुत शानदार तरीके से इसको क्लियर कर दिया। चलिए क्लियर है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनो। कुछ भी वैल्यू दी हुई हो आप अपनी मर्जी से एक नंबर अज्यूम कर लो, पर कोशिश करो कि उनके कहीं आस पड़ोस में हो अपनी मर्जी से। अगर आप रिजल्ट नेगेटिव है, कम पड़ रहे हैं तो नेगेटिव में रख दो, ज्यादा हो रहे हैं तो पॉजिटिव में, उनके बीच का जो भी डिफरेंस आ रहा है भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको आप अब कहोगे सर ये 5 से डिवाइड क्यों किया? बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन होगा, 5 वैल्यूज है हमारे पास इसीलिए देखो मैंने 5 से यहां डिवाइड किया है। नेगेटिव होगा तो रिजल्ट में माइनस करना है और पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट में प्लस करना है। अब मुझे जल्दी से बताओ एक क्वेश्चन लिखो तो सॉल्व करके बता सकते हो क्या, जल्दी बताइए। एक प्रश्न लिखा जाए तो आंसर आने चाहिए, चैट ऑप्शन भर जाना चाहिए आंसर से, तब तो है आनंद सेशन का। थोड़ा मैं इजी दूंगा, वैल्यू बड़ी रखूंगा नो डाउट। चलो एक काम करते हैं, 900, 850, 730, 820, 410 इसका एलसीएम लेकर आओ, 610 कर लो, आपके लिए एज्यूमिंग इजी हो जाएगी। चलो अब मैंने कोई ये रट के नहीं रखा है, वैल्यू आपके सामने है, अब इसका आंसर दीजिए। 900, 850, 730, 820, 610 चलिए राशियों का योग बेटा राशियों की संख्या, अरे वो तो इतने साल कर ही रहे थे, तो थोड़ा सा इसको बदलाव कीजिए, आंसर करो। इस जितने भी सेशन हुए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स को डाउनलोड कर लीजिए, वहां फ्री स्टडी मटेरियल में दो फोल्डर बने हुए, एक यूपी पुलिस जो पुलिस एग्जाम 2023 जो मॉर्निंग में क्लास चलती है और एक बना हुआ ब्रह्मास्त्र 2023 जो अभी YouTube के ऊपर शाम की क्लास चलती है, दो ही क्लास अभी YouTube पर चल रही है, दोनों के फोल्डर बने हुए, फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर देखो कि सारे पीडीएफ मिल जाएगी और जल्दी एडवांस के भी टॉपिक्स हम लोग शुरू करने वाले हैं।
अब एक दिन वही बच्चे ने तो फॉर्मूले भर दिए ऑप्शंस में, अरे अभी फॉर्मूले तो रटे हुए थे ना इतने दिन, ठीक है। चल इधर ध्यान से सुनिए, हमने कुछ भी अज्यूमिंग कर ली हमारे आस पड़ोस में, तो हमने एक काम कर लिया, ऐसी वैल्यू रखी कि 800 रख दीजिए, है ना, अच्छा रहेगा, इजी रहेगा हमारे लिए, 700 रख दो 600 रख दो, तो देखो 800 से प्लस 100, 800 से प्लस 50, 800 से माइनस 70, 800 से प्लस 20, 800 से 600 गए तो 200 में से 10 गए, 200 में से 10 गए 190, लेकिन नेगेटिव का, तो दो वैल्यू नेगेटिव में आ रही, बाकी सब पॉजिटिव, तो 100 और 50, 150 और 20, 170 माइनस 19 और 7, 26 माइनस के 260 बटे में वैल्यू कितनी है 5, चलो कितना बचाएगा देखिए, 30 और 60 90, माइनस का 90 अपॉन 5 तो माइनस का 18 कर लो, तो 800 में से 18 घटाने हैं बस, और 800 में से 18 घटाओगे 10 गए, 90 में से 8 गए, 90 में से 8 गए 782, कितने बच्चे का ये आंसर बना है 782। निशा आपने आंसर किया है, और बताओ किसी का उत्तर, और किसी का उत्तर नहीं है अभी, ऐसे कैसे किसी ने नहीं दिया अभी, मॉर्निंग में कितने बजे क्लास होती है, मॉर्निंग में सुबह 9 बजे क्लास होती है, वापस ध्यान से सुन लो, प्लस 100 प्लस 50 माइनस 70 प्लस 20 माइनस 190, तो इनको जोड़ा 100 50 150 और ये 20 170 और इनको देखा तो 190 और ये 70 260, तो नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा है, कितने नेगेटिव ज्यादा है, तो देख लीजिए 16 में 7 गए 9 माइनस का 90 बटा 5 तो माइनस का 18 कर लिया 782। चलिए समझ में आया कि नहीं आया, अमित यादव शांतनु बहुत बढ़िया भी, कुमकुम रस्तोगी, ठीक है अमित और रवि आपने 780 क्यों किया अभी, सर वही ठीक है पुराने वाला, सर एक बच्चा कह रहा सर 700 पे बना दीजिए, चलो भी 700 पे बना देते, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा 700 पे, चलो 700 में प्लस 200, 700 में प्लस 150, 700 में प्लस 30, 700 में प्लस 120, 700 में माइनस 90, अब जोड़ लीजिए 350 और यहां देख लीजिए 200 350 और 30, 380 और 480 और 20, 480 और 20 500, 500 माइनस 90 बटा 5 तो 410 बटा 5, 410 बटा 5 होता है 82, 82 प्लस का आ रहा है ना भी पॉजिटिव, तो उसमें जोड़ना पड़ेगा 700 प्लस 82 782, अब बताओ अब तो क्लियर हुआ डाउट, अब 700 रखो या 500 रखो या 800 रखो, रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं आने वाला, ध्यान रखना। सर मैं लस्सी कब पिला रहा, लस्सी मैंने बताया ना भी जो सिलेक्शन दे दोगे तो जोधपुर की लस्सी फेमस है ही आपके लिए, और वो पहले ही पिछले बैचेस के बच्चों को भी बोला हुआ था, चलिए 800 700 कुछ भी वैल्यू लेकर कुल मिलाकर इस कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना था। चलिए अब हम आते हैं अपनी बात के ऊपर, और मैंने बोल दिया कि समान अंतर हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो करना और हमें हमारे रिजल्ट्स देने हैं, चलिए ओके। अब देखो एक और चीज समझाता हूं कि कभी कभी हमारे पास ऐसा आ जाता है कि 40 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, 40 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ, आगे क्वेश्चंस भी है वैसे लेकिन एक बार एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ आपके हिसाब से इसका रिजल्ट क्या होगा, 40 प्राकृत संख्याओं का आंसर क्या होगा, एक मिनट है ना, इन जो कचरा है थोड़ा उसको साफ कर देते हैं, ठीक है, और किसको तकलीफ है अभी, पेट दर्द हो रहा है, एक दो जने और है, चलो ठीक है एक दो ही है, ठीक है, पेट दर्द हो तो बता दिया करो, तकलीफ हो ना कुछ भी समस्या चैट में एक दो कमेंट कर दिया करो, अपनी पहचान घोषित कर दो ताकि फिर हम तुरंत आपको यहां से क्या कहते हैं सामान लौटा दे वापस आपको, ठीक है। चलिए तो 40 प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्राकृत में कहां से एक से लगाकर कहां तक 40 तक, तो पहली संख्या प्लस 40 अंतिम अपॉन 2 तो 41/2 हो जाएगा 20.5, लेकिन देखो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इतना सा लिखा,
अब अगर इसी में मैंने बोल दिया 60 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, तो फिर हमारा क्या रिजल्ट होगा बताओ? 60 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? उस कंडीशन में ही थोड़ी गलती होती, बस इसीलिए मैंने प्रश्न लिखा। अगर यही क्वेश्चन होता 60 पूर्ण संख्या, 60 वाला बताओ जल्दी, पिछला तो आ चुका है, कुमकुम रस्तोगी 30, शांतनु 30, ठीक है, शीश पाल ने पिछला आंसर दिया, संजय ठाकुर 30। देखो कमेंट चेक करते रहो, है ना, पता चलेगा कि ये छोटा सा क्वेश्चन गलत होता है एग्जाम में। और देखो एग्जाम में नहीं, और आपके चैट ऑप्शन भरा पड़ा है, इससे देख लो ये सवाल गलत हो रहा है, तो सोच सकते हो आप लोग, कमेंट बॉक्स भरा पड़ा है इसके आंसर से, जहां गलती कर रहे हैं। देखो है? निशा रति बहुत बढ़िया भैया, आपका आंसर सही है। राहुल अग्निहोत्र, राहुल बिल्कुल आपने सही आंसर किया है, अभी तक दो बच्चों का आंसर आया है। प्रिंस अनिल, आरती, ठीक है, संजय ठाकुर, शांतनु, धर्मेंद्र, ये सब लोग है ना, इस वीडियो इस सेशन को देखना भूलना मत, है ना, गलती हो रही है आप लोगों से, ठीक है। शीशपाल चलो ठीक है, अब सही कर दिया, ओके, इंडियन आर्मी के बच्चे ने सही दिया, ठीक है। अरे भाई पूर्ण संख्या है जीरो से शुरू होगी, और 60 पूर्ण संख्या बोला है ना, तो 59 पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत जीरो से हो रही है ना कि एक से, तो 60 पूर्ण संख्याएं बोली है ना, तो 60 पूर्ण संख्याएं 59 तक ही रहेगी, और इनका एवरेज लाना है तो पहली प्लस अंतिम बटा दो, और 59 अपॉन को करेंगे तो 29.5। अब आप बताओ गलती समझ में आई कहां हुई? तरीके में कोई गलती नहीं थी, आप बस क्वेश्चन की शुरुआत गलत कर रहे थे, अब वो गलती होनी नहीं चाहिए, है ना। बहुत बहुत थैंक यू जिन भी बच्चों को सेशन अच्छा लग रहा और समझ में आ रहा, हमें भी अच्छा लगता है कि आप ऐसी बातें करते हैं तब के भी आपको समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, ये चीज क्लियर थी। तो इस क्वेश्चन में तो सिर्फ यही समझाना था, इसलिए बस मैंने थोड़ा सा इसको लिखा। एक मैं और चीज समझा देता हूं, संख्या 15 के प्रथम, संख्या 15 के प्रथम 35 गुणज का औसत बताओ, गुणज का औसत ज्ञात करो। अब औसत को कभी कभी माध्य भी लिखा हुआ जाता, ध्यान रखना, ठीक है, तो ये चीज भी समझिएगा। संख्या 15 के प्रथम 35 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अब संख्या 15 है ना, 15 का पहला गुणज 15, फिर 30, फिर 45, और उसके बाद, अब देखो हमें वैसे ये 30 45 भी नहीं लिखना था, पर बस आपको समझाने के लिए वैल्यू लिखी है मैंने, तो 15 का 35वां गुणज, 15 × 5 = 75, 45 और 7 52, 525। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन टू, तो जोड़ लीजिए कितना बन गया, देखो 30 × 10 = 40, 540 बटा, और ये हो जाएगा 270। देखो आंसर वाले कैलकुलेशन में ज्यादा इतना टेंशन वाली बात नहीं है, वैसे सीखना यहां था पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में दो, और जब मैंने इसको जोड़ा तो 540 आ रहा है, और 540 का आधा हो जाएगा 270। एक बच्चा 279 क्यों बता रहा है, ये टाइपिंग एरर होगी होगी, चलो कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा, पहले तो ये आज संख्या थोड़ी अच्छी खासी है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आप लोग भी एक बार, मैं चाहूंगा कि सब बच्चे इस सेशन को शेयर जरूर कर दो। ऐप पर फीस क्या है, अब 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से देख लो, 1.25 रुपए के हिसाब से वही फीस है ऐप के ऊपर, कि 1 महीने का कितना खर्चा बैठता वो फीस है, 2 रुपए भी नहीं है पूर्ण रूप से। अब देख लीजिएगा ऐप की बैच की क्या फीस है, 1 रुपए के लगभग की फीस में हम लोग पढ़ा रहे प्रतिदिन में। अच्छा सब लोग सोकर दोबारा जगह, चलो बढ़िया। अभी अब बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अब देखिएगा प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अब मेरी बात को गौर से सुनिए, ये सवाल मैंने क्यों लिखा, बस आप लोगों का एक कंफ्यूजन और मतलब ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट समझाने के लिए भी, इसके ऊपर आज तक कोई ट्रिक या कोई भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बड़ा क्यों नहीं है। रीजन इसका ये है,
कि अगर मैं 20 अभाज्य संख्या लिखता हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 32, 31, 37, 41 इस प्रकार से जो भी वैल्यूज होती है, यहां मैंने नोटिस किया एक का डिफरेंस, यहां मैंने नोटिस किया दो का, यहां भी दो का, यहां चार का, फिर वापस दो का, फिर वापस चार का, फिर वापस दो का, फिर वापस चार का, फिर वापस छह का, फिर वापस दो का, फिर वापस छह का, फिर बोलो चार का। तो एक अजीबो गरीब डिफरेंस चल रहा है, कभी एक, फिर दो, फिर चार, फिर छह, फिर दो, फिर तीन। तो एक असमान अंतर चलता है, और असमान अंतर चलता है इसीलिए फिर यहाँ कोई ट्रिक नहीं बनती, और फिर एक ही तरीका बनता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जितनी भी वैल्यूज होती 20 होगी है तो हम 20 तक लिखेंगे, 25 होती तो 25 तक। यही एक रीजन है, क्लियर है? तो ये रीजन होता है कि अभाज्य संख्याओं का औसत पता करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया है। अब मेरी बात को समझिए। तो सबसे पहले मैंने बोला औसत क्या होता है, योग बटा संख्या, सबको पता था। फिर मैंने बोला आपको अगर प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, गुणज या एक समान अंतर की श्रेणी भी मिलती है ना, तब औसत लाने की ट्रिक होती है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में दो। बात समझ में आई? तो मैं सोच रहा हूं इस सीरीज के कुछ क्वेश्चन ऐड करते हैं तो फिर सही रहेगा थोड़ा, है ना, ताकि पता चले कुछ कि वाकई में आपको समझ में आया ही हूं, हाँ भर रहे हो बस। चलो देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लाए आपके सामने। ओके, एक बार है ना वापस थोड़ा सा है ना सेशन शेयर कर दो सभी बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन सब शुरू हो चुके हैं ना, तो थोड़ी संख्या होनी चाहिए। पहला प्रश्न आ चुका है, अब वो ट्रिक आपको समझ में आएगी जो मैंने थोड़ी देर पहले बोली थी। अब यहां आप जोड़ के कब आप सॉल्व करोगे, नहीं तो देखो 4, 6, 8, 10 उनको जोड़ना बहुत इजी रहेगा। तो यार कुछ भी अज्यूम कर लीजिए अपनी मर्जी से, भले अभी आप 70 रख दो, 60 रख दो, 65 रख दो, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कंफर्म बोल रहा हूं। चलो जल्दी आंसर बताओ फिर। 76, 48, 84, 66, 70, 64 इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा? सर रेलवे एनटीपीसी के लिए कौन सा बैच ज्वाइन करें? भी एनटीपीसी वगैरह इन सब के लिए भी लोको पायलट की भर्ती को ध्यान में रखते हुए लोको पायलट का बैच है, आप उसी को ज्वाइन कीजिए, ठीक है? चलिए समझिएगा मेरी बात को। तो हमने कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर ली, 70 दिख रहा है, 60 दिख रहा है, 64 दिख रहा है, तो अप्रोक्स वैल्यू 70 हमारे सबके नजदीक, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4 वैल्यू के है, तो मैक्सिमम वैल्यू के नजदीक वाली वैल्यू लो ना, तो वो इजी रहेगा, 70 ले ली। अब ध्यान से सुनना, 70 में प्लस 6, 70 में 52 है ना, माइनस 22, 70 में प्लस 14, थोड़ा इधर रखना पड़ेगा, दिख नहीं रहा उधर से, इधर माइनस का 22, इधर देखिए प्लस का 14, इधर, ठीक है। 66 में माइनस का 4, 70 में 0 रख दो, कोई तकलीफ नहीं है, इसमें माइनस का 6, तो प्लस वाले जोड़ लो, 6 और 14 20, ठीक है 20, माइनस के 22 और 4 26 और 6 32, बटे में वैल्यू कितनी है 3 और 3 6 रख दीजिए, हो गया माइनस का 12/6, और 12/6 यानी माइनस 2। अब आप लोग बताओ जब माइनस 2 है और 70 अज्यूम किया था और 70 में से 2 घटाऊंगा तो एवरेज आ गया 68। कितने प्राणियों का ये उत्तर बना था बताइए, क्लियर है 68 कैसे बना? एक बार और रिपीट कर देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। बजरंग बली के भक्त जी ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे वीडियो सेशंस आप देख सकते हैं, बस उसकी एक नॉर्मल सी फीस रखी गई, वो आप उतना तो फॉलो कर ही सकते हैं उस चीज के, ठीक है? आराम से देख रहे, इतने सारे बच्चों ने उसको सेशन को देखा ही और देख रहे हैं, प्लेलिस्ट जितने भी देखने हैं, जिनको पढ़ना होता वो पढ़ना शुरू कर चुके माय डियर स्टूडेंट। चलिए एक बार रिपीट कर देता हूं, वापस ध्यान से सुन लो। तो मैंने ये बोला है कि भाई यहां पर कुछ भी एक वैल्यू अज्यूम कर लिए, तो मैंने बोला 70 अज्यूम कर लिया हमने, तो सबसे पहली वैल्यू यहां पर
इसको मैंने देखा तो ये प्लस 6 है, इस वैल्यू को चेक किया तो ये माइनस 22 है, इसको चेक किया तो ये प्लस 14 है, इसको चेक किया ये माइनस 4 है, ये वाली 0 है और ये माइनस 6 है। तो प्लस वाले को जोड़ा मैंने, 6 और 14 हो गए 20 प्लस के, माइनस वाले 22, 4, 26, 6, 32, ये तो 0 है, बट्टा। अब 6 क्यों रखा इस बार, क्योंकि टोटल नंबर 6 है यहाँ पर, तो माइनस 12 बांटना 6 जोड़ों में तो एवरेज में कमी 2 की आएगी, तो 70 तो मैंने सोचा था लेकिन अपने फाइनली 2 की कमी आ रही है, इसलिए 68 हमारा उत्तर हुआ जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद था। अब तो क्लियर हुआ सभी को ऐसा क्यों हो रहा है, इस क्वेश्चन में बातें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इन संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे पहले मुझे जल्दी से मैसेज करके बताओ संख्याएं कितनी हो रही है, जल्दी से सभी बच्चे मैसेज करके बताओ कि संख्याएं कितनी हो रही है, सबका आंसर बताओ। टोटल देखो 3 और 3 6 और उनका एवरेज 49 है। तो लास्ट वाली वैल्यू हमें बतानी है, 6 हो रही है, तो देखो 6 वैल्यू का एवरेज अगर 49 है तो सबसे पहला काम हम औसत से योग लाएंगे, योग होता है औसत इनटू संख्या, 9 इंटू 6 54, 5 24 और 5 294, इसमें से इनको जोड़ लो, 9 3 12 और 1 13, 13 और 8 21 और 7 28, फिर 2 11, 5 16 और 6 22 और 1 23 और 2 25, तो 14 में से 8 गए 6, 8 में से 5 गया 3, 36, तो आप बताइए वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, 36 हो जाएगी। इतना सा करना था आपको, बस लिख दीजिए बड़े से। सर बेवफा एसडीएम के बारे में कुछ कहिए, पढ़ लो आप भी पढ़ लो, क्यों फालतू के चक्रों में क्यों पड़े हो, ठीक है, जिनको जो करना था वो करके चले गए हैं, आप यूं ही टेंशन में बैठे हो हैं, इनके ऊपर अब रील्स वीडियोस में आप अपना टाइम निकाल रहे हो, तो इनके ऊपर ऐसे बोल के फिर क्या मतलब, मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों को इतना सोचने का समय मिली क्यों रहा, आप तो पढ़ी हो बस, या तो रील ज्यादा ही देख रहे हो इसलिए वही बार बार सामने आ रहा है, कैसर इन्हें शादी करनी है, पढ़ लो ठीक रहेगा तो कुछ उम्मीद रहेगी थोड़ी, इतने ही शादी के ख्याल आ रहे तो थोड़े पढ़ाई के भी ख्याल रखिए साथ में। चलिए तो ऐसे देखो फालतू के कमेंट्स वगैरह पे वैसे आज तक भी हमने वीडियो नहीं बनाए, तो ऐसे बनाने का क्यों, ऐसे अगर व्यूज पाने ही है तो फिर ऐसे हजारों तरीके हैं, ऐसे अजीबोगरीब कमेंट कीजिए, फिर उसी पे खुद बोलिए, फिर उसी का खुद का एक फैन चैनल बनाइए और फिर उसी पर वीडियोस डालिए, ऐसा करने में आनंद नहीं आता अभी, है ना, ये आजकल का ट्रेंड हो चुका है ना, ये खुद ही वो जानबूझ के उस चीज को उठाते हैं फिर गलत बोलते हैं उसके बारे में, या कुछ भी गलत नहीं कुछ टॉपिक को छेड़ते हैं वापस जानबूझ के, उसके ऊपर एक वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है जब चल रहा है टॉपिक, तो ठीक है, तो वो थोड़ा यहाँ है ना इस चैनल पे उस चीज की कमी रहेगी थोड़ा, है ना, क्योंकि यहाँ थोड़ा क्या जब सेशन स्टार्ट हो जाता है ना हम भी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, एक अब कमेंट आ गया तो मैं समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ, इस चीजों में आपको कुछ नहीं मिलना, जो वीडियोस बना रहे हैं उनको व्यूज आ रहे हैं, उनका पेमेंट बन रहा है, आप यूं ही अपना टाइम खराब कर रहे हो, समझ रहे हो, आपको भी आनंद आता है सर ने आ रहे हैं, हाँ एसडीएम के बारे में बोल दिया, वो वाली घटना के बारे में बोल दिया, इसके बारे में भी बोल दिया, उसके बारे में भी बोल दिया, आप खुश हो जाते हो राजी हो जाते हो, ठीक है, तो पढ़ लो अपना काम पढ़ने का, अगर उस पर कैसे क्या चीजें चल रही वो मैटर, सीखो हर चीज से सीखो लेकिन उसका एक तरीका होता है। चलिए यहां से ध्यान दीजिए, इसके बारे में जो भी डिस्कस होगा लास्ट में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज थी, 6 का एवरेज 49 था तो एडिशन टू 494, उसमें से हमने ये घटा दिया तो आ गया 36। चल आगे बढ़ते हैं, 4 घंटे 30 मिनट और 42 सेकंड का औसत कितना होगा, वो औसत हमें सेकंड्स में लेकर आना है, बहुत ही अच्छा सवाल है, अभी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को इन्होंने नया बनाया, मतलब इस पैटर्न में बनाया, ठीक है,
चलिए अब ध्यान दीजिएगा, 4 घंटे, तो 4 घंटे को सबसे पहले हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 घंटे में बोलो 3600 × 4 करेंगे तो 14400 सेकंड्स, 30 मिनट है, 30 × 60 करो तो ये हो गए 1800 सेकंड, और फिर 42 सेकंड है तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, सीधा 42। यहां से 2, 4, 8, 4, 12, 5, 1, 6 राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 3 वैल्यूज है। यहां से देखिए 5 × 3 = 15, 1, 4, 3, 12, 3, 1, 3, 4, 5, 4, 1, 4, यानी जो सी ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट वो बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखो एसडीएम के बारे में कुछ नहीं बोला तो इतने सारे व्यूअर्स कम हो गए, चलो कोई नहीं, चलो पढ़ने वाले बच गए। मतलब चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 35, 39, 41। ये क्वेश्चन वैसे मैं अभी जस्ट कराया है तो मैं चाहूंगा कि एक बार जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा इससे। इसको जल्दी से आंसर कीजिए क्योंकि ये टाइप आप पढ़ चुके हो और अभी मैंने सॉल्व कराया इसका एक क्वेश्चन, तो आंसर बनना चाहिए, तो समझिएगा। अब देखो आज बेसिक सेशन था, मैंने बोला ना जब टॉपिक शुरू होता ना पहली क्लास बहुत जरूरी हो जाती है, उसके बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है तो बढ़िया से है ना। मैंने बताया जैसे अभी तो कितना चौथा पांचवा प्रश्न चल रहा है, लगभग हम इस टॉपिक के 70 से 80 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आने वाले हर टॉपिक के, जैसे नंबर सिस्टम के मैंने इतने क्वेश्चंस कराए थे पर जब एलसीएम एचसीएफ था या फिर सरलीकरण था उसके कम क्वेश्चंस क्योंकि टॉपिक छोटे हैं, तो इसी प्रकार से अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो बड़े टॉपिक्स हैं तो ढंग से उनको कवर करना है ना। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, वैल्यूज हमारे पास है 3 and 3, 6, 6 वैल्यू का एवरेज अगर 38 है, 8 × 6 = 48, 4, 18 × 4 = 228, इनको जोड़ लीजिए 14, 1 = 15, 6 = 21, 7 = 28, फिर 2, 6, 4, 10, 3, 13 और 3, 16 और 2, 18, तो 0, 12 में से 8 = 4, 40 आंसर बन जाएगा जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। अब बताइए इसमें कोई कंफ्यूजन रहा क्या? ठीक है एक चीज रुकिए, 1 मिनट, +1 + 30 + 3 = 27, ठीक है चलिए लिख लिया सभी ने। अरे नहीं मैं कुछ और कॉन्सेप्ट सोच रहा था, मैं क्या कुछ एक नई अप्रोच लगाए इसके ऊपर, इसलिए वापस ध्यान दीजिएगा 6 का एवरेज 38 है तो एडिशन आ गया, उसमें से 5 वैल्यूज हमने घटा ली, रिजल्ट हमारे सामने। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत बताओ, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा दो, क्योंकि सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं समय नहीं लगा रहा, 100 वाला 40 वाला 60 वाला अभी मैंने कराया, ठीक है। चलिए प्रथम 10 सम प्राकृत का, चलो ये आप करा दो, सम बड़ा मैंने नहीं कराया, प्राकृत पूर्ण मैंने करा दिया, इसका आंसर करो जल्दी से। मॉर्निंग बैच का नाम क्या है? अभी पुलिस एग्जाम 2023 नाम से प्लेलिस्ट है मॉर्निंग बैच। अरे दिलीप है ना, तो टॉपिक शुरू हुआ है ना, थोड़ा समझो बात को है ना, इसीलिए चीजों की शुरुआत यहीं से होती है। तुम्हें जब आ रहा है तो ऐसे करना, 3 दिन बाद जब क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे उस टाइम आ जाना है ना। अगर आप इतने समझदार हो गए तो आपके लिए सेशन नहीं है, ये उन बच्चों के लिए जिनको अभी पढ़ना, समझ रहे? अब आएंगे नहीं आएंगे वो ज्ञान की बात है ना, हमें मत बताओ, क्योंकि हमें पता है कौन सा प्रश्न आएगा नहीं आएगा, वो आप ही के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लाए हुए क्वेश्चंस है। एक भी प्रश्न हम लोग मन से नहीं बनाते हैं, प्रीवियस ईयर मैक्सिमम 99% कोशिश करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न जो हो प्रीवियस ईयर के सेगमेंट में से आए, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, बैंकिंग का हो। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, प्रथम 10 सम प्राकृत का औसत बताइएगा, 2, 4, 6, अगर मुझे 10 सम चाहिए तो मुझे काउंटिंग में कहां तक जाना पड़ेगा? 20 तक। अब ये वाली बात मैंने इसीलिए लिखी है क्योंकि यहां पर हमें पता चल जाता है अंतर समान है, अगर आप यहां 10 रख दोगे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 10 तक में सिर्फ 5 सम होती है और 5 विषम होती है,
इसीलिए पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में दो तो 22/2 तो रिजल्ट हो जाएगा 11, जो हमारे सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में। ओके, 100 से कम सभी विषम का एवरेज बताइए, 100 से कम सभी विषम का एवरेज। तो विषम कहां से? 1, 3, 5, 100 से कम तो मुझे 99 तक ही जाना है। पहली प्लस अंतिम बटा दो और 100/2 तो रिजल्ट हो जाएगा 50। तो ये आसान सवाल है, थोड़ा सा मैंने इसको जल्दी लिख दिया क्योंकि ये पैटर्न आप सीख चुके हो। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में दो। क्लियर है मेरी बात? हर्षल सैनी वेलकम, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ज्वाइन किया है, आपका वेलकम है हम आपके ट्रिकी मैथ्स फैमिली में। चलिए, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का एवरेज पता करिए, 50 तक की। अब एक बार आप लोग आंसर देने की कोशिश तो करो, जल्दी बताओ। विक्रम जी, सारे क्वेश्चंस में ऐड कर दूंगा, एक बार है टॉपिक खत्म हो जाता ना ये एवरेज, उस दिन आप कहना कि कोई भी टाइप पीछे रह गया तो मुझे बताना, जरूर मैं आपकी बात और भी ऐड कर दूंगा। लेकिन एक बार मेरे कहने से इस टॉपिक के 5-6 वीडियो आने जाना, जितने मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं मुझे कराने दो, फिर आपका कोई भी डाउट रहेगा डेफिनेटली मैं उसको फॉलो करूंगा, और एक बार थोड़ा है ना मेरे को पढ़ाने दीजिए। सर कमेंट का रिप्लाई करते रहिए, मन लगा रहता। देखो भाई, मन लगा रहेगा तो फिर मन ही लगा रहेगा, पढ़ाई कम होती है फिर। इसे 50 तक की सम है ना, तो 2, 4, 6। अब 100 मत जाना, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि 50 के बाद आपके ब्रेक लग जाने चाहिए, यहां बोला ना 50 तक। तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2 और 52/2 तो 26, ये हमारे सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? तो 50 सम बोले तब तो 100 तक जाना है, 50 तक सम बोले तो फिर 50 ही रहना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना, समझ में आना चाहिए। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगता है तो आपका अपना चैनल है, मैथ्स का डेडिकेटेड चैनल है, तो उम्मीद करेंगे कि जरूर ये चैनल आपकी मदद करे चीजों को और बेहतर करने में। इसका आंसर दीजिए, ए और बी की औसत आय 200 है, सी और डी की 250 रुपए, तो एबीसी की औसत आय। ए और बी का एवरेज 200 है और इन दोनों का 250। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ए और बी दो लोग है ना, दो का औसत अगर 200 है तो आज के बाद एक नई चीज बोल रहा हूं, कॉपी में लिख देना सबसे ऊपर हेडिंग बॉक्स जो खाली होता है ना, जहां डेट वगैरह वहां लिख दो, औसत हमेशा योग दर्शाता है। जिस बच्चे को औसत पता है वो संख्या से गुणा करते ही योग दर्शा सकता है। तो दो का औसत अगर 200 है तो 400, दो का औसत अगर 250 है तो योग हो गया 500। ये C प्लस D, और सभी का एवरेज लाना है तो जोड़ लीजिए 500 और 400, 900 बटा, यहां पर लोग कितने हैं, लोग 4 है भी, तो 4 × 2 = 8, 1 बचा 4 × 2 = 8, 2 बचे फिर 5, 225, और 225 हमारे इस ऑप्शन में ही मौजूद है। क्लियर है सभी को? यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? जल्दी बताइए। ध्यान से समझिएगा, यदि 5 क्रमागत विषम का औसत, अब हमारे सामने एक नया सेगमेंट आया, वैसे मैं इस क्वेश्चन को कल ही कराऊंगा लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं। क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा मध्यकांक होता है, क्रमागत संख्याओं में औसत हमेशा मध्यकांक होता है, तो मध्य में मैंने कितना रख दिया बोलो 70। इसका कॉन्सेप्ट में बताऊंगा क्यों होता है, और जब 5 होती है तो बीचों बीच में क्यों आता है, और यहीं पर अगर 4 या 6 होती है तो रिजल्ट पॉइंट्स में क्यों आता है,
तो 17 के बाद 19, फिर बोलो 21, 17 से पहले 15, फिर बोलो 13। तो ये आप लोगों का तरीका रहेगा, सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 21, सबसे छोटी पूछे तो 13। हमें बोला सबसे बड़ी संख्या, देन रिजल्ट इज 21। बात क्लियर है? ओके, ठीक है। वैसे इस वापस कह रहा, इस कॉन्सेप्ट को अभी सिर्फ ऐसे मैंने ब्रीफ बताया, कल इसका रीजन बताऊंगा ऐसा क्यों होता है कि रिजल्ट ये मिड नंबर आता है। आप इनको जोड़ के चेक करना, रिजल्ट मिड नंबर आता है, तो वो हम कल के कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कल आप लोग जरूर सेशन को रात 10 बजे ज्वाइन करना है। थोड़ा सा समय परिवर्तन था, इतने दिन रोज क्लास 9 बजे चल रही थी, वो क्लास अब रात 10 बजे है। अब आपका कोई भी प्रश्न है वो कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं उनका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूंगा। कोई भी प्रश्न है जल्दी से मैसेज करिए। डेली टाइम क्या रहेगा? 10 बजे। और बताइए, अभी कोई बुक का सॉल्यूशन अभी तो नहीं है, अभी हाल फिलहाल में, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी वेटिंग नेक्स्ट क्लास। बहुत बहुत बढ़िया, भी अच्छा लगा कि आपको क्लास अच्छे लगे। सर 9 बजे, देखो भी 9 बजे चल रही थी तो मैंने कोशिश की, 9 बजे वाली में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था, आपको पता है हर 3-4 दिन के बाद थोड़ा क्लास मैच हो रही थी, इसलिए फिर मैंने 10 बजे रखा, ताकि क्लास अपने कभी छूटे ही नहीं, है ना। और कुछ देखो, मुझे रेलवे सेशन भी शुरू करना है ना, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम 9 बजे रखा। बेसिक मैथ्स के वीडियो क्यों नहीं चल रहे? देखो, पूजा सोलंकी बेसिक मैथ के वीडियो चल जाएंगे, अगर यहाँ नहीं चल रहे तो एप्लीकेशन पर बेसिक मैथ का वीडियो है, बैच बना हुआ, 25 वीडियो वाला बैच बना हुआ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, कोई बात नहीं। प्रिंस देखो, वो आपके ऊपर है, उसको ज्वाइन करना नहीं करना, ठीक है। सर आपकी टॉपिक वाइज क्लास कहां पर मिलेगी? टॉपिक वाइज क्लास यहां पर भी चल रही है, इसको भी पढ़ सकते हो। अगर आप लोग मतलब एक 199 की फीस का कोर्स अगर 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपके पास प्लेलिस्ट में मैं ये वीडियो सेशंस ला रहा हूं, आप इनको बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। और जिनको ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 1 रुपए की फीस प्रतिदिन की संभावना है कि भी 1 रुपए तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए दे सकता हूं प्रतिदिन का, तो वो आप हमारी एप्लीकेशन पर बैच उपलब्ध है। मैथ्स के हर एग्जाम के अलग अलग है, जिनको कॉमन बैच ज्वाइन करना है वो या तो लक्ष्य से बैच ज्वाइन कर लो या फिर शून्य से सीखो। परसेंटेज कराएंगे तो लंबाई चौड़े ऊंचाई वाले प्रश्न भी करा देंगे सुशील, निश्चिंत रहिएगा। सर एलसीएम एचसीएफ में बेल वाले क्वेश्चंस नहीं कराए? कुमकुम बेल वाले क्वेश्चंस रह गया था क्या? एकाध रह गया होगा, बेल वाले में कुछ नहीं, एलसीएम लेकर जो एलसीएम आता है वो टाइम ऐड करना होता है, ठीक है। उसको यूं करेंगे आप, पुलिस वाले में मैंने वो करा रखा सुबह वाले सेशन में, तो एक बार है ना वो वीडियो सेशन देख लेना, रह गया होगा एक आध टाइम, ठीक है। चलो सर, मैंने आपके मैथ्स के वीडियोस देखे थे जो बहुत हेल्पफुल थे, बहुत बहुत थैंक यू भी, जिनको भी ये चीज अच्छी लग रही है। ओके ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे वैसे मैंने रिप्लाई किए हैं। तो ऐसे ही अगर आपके कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस हो गए, उसका रिप्लाई या तो शुरू के 5 मिनट्स में सबसे लास्ट में प्रयास करना, उनके रिप्लाईज आपको जरूर मिलेंगे। बाकी बढ़िया से सेशन ज्वाइन कीजिए और अपनी मैथ्स को इम्प्रूव कीजिए, और गणित नाम का जो डर है ना उसको समाप्त आपका ट्रिकी मैथ्स चैनल कोशिश कर ही रहा है। थैंक यू, जय हिंद।